2020 की शुरुआत हुए अभी तक ऑलमोस्ट 160 डेज हो चुके हैं और इतने ही दिनों में 2020 ने काफी सारे हिस्टोरिक इवेंट्स क्रिएट कर दिए हैं जो शायद दोबारा कभी ना दोहराए। लाइफ जैसी हम समझते थे वैसी नहीं रह गई, सब थम सा गया है। 2020 ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अभी तक का सबसे बुरा साल है, तो बाकी बचे दिनों में क्या होने वाला है? क्या कोई और आपदा आने वाली है? क्या कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है? या क्या दुनिया खत्म होने वाली है? कुछ भी कहना मुश्किल है, बस इतना समझा जा सकता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने बस नेचर से लिया ही लिया, उसको बस एक्सप्लॉइट किया, उसको उसकी इज्जत उसका ख्याल रखना भूल गए। और नो डाउट मदर अर्थ हमसे नाराज है और हमें हमारे पापों की सजा दे रही है। इस साल काफी कुछ इवेंट्स हुए हैं तो आज हम आपको अभी तक के सारे बुरे इवेंट्स और कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल की सबसे पहली बुरी खबर आती है जनवरी 2 को, जब ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी को यूएस के ड्रोन्स ने मार डाला। ये ईरान के लिए काफी बड़ा झटका था क्योंकि उनके चहेते जनरल की दिन दहाड़े यूएस ड्रोन ने हत्या कर दी और यूएस ने ये बोलकर अपना पलड़ा झाड़ लिया कि वो बस फ्यूचर में होने वाले खतरों से अपने देश को बचा रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ऐसी महामारी आएगी जो सब कुछ बदल कर रख देगी। इसी के साथ जनवरी 7 को WHO को COVID-19 के बारे में नोटिफाई किया गया जो वुहान चाइना से निकला। माना जाता है कि कोरोना वायरस चाइना में स्थित ह्यूबी प्रोविंस में लोकेटेड एक वेट मार्केट से निकला। बस इसी घटना के बाद से सब बदल गया, जिंदगी थम सी गई और पूरी दुनिया मरने के डर के साथ जीने लगी। फिर 11 जनवरी को चाइना में COVID-19 से पहली डेथ रिपोर्ट की गई और वुहान में रहने वाले 11 मिलियन लोगों को लॉकडाउन में बंद कर दिया गया। अगली खबर आती है जनवरी 26 को, जब द लेजेंडरी कोबी ब्रायंट और उनकी बेटी कियाना ब्रायंट के साथ 7 और लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। और अभी अमेरिका में हुए आउटरेज के बारे में आप सब लोगों को तो पता ही होगा। इस सब की शुरुआत हुई जब एक 46 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन आदमी जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, उसको $20 की चोरी की वजह से पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और उनको इतनी बुरी तरह ट्रीट किया गया कि मात्र $20 की वजह से उनकी जान चली गई। वीडियो फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता था कि एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम डेरेक चौविन था, उसने फ्लॉयड को जमीन पर गिराकर उनकी गर्दन को 8 मिनट एंड 46 सेकंड तक अपने पैर से दबाए रखा, जिसकी वजह से फ्लॉयड की डेथ हो गई। इसी के बाद से 4 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और FBI पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डेरेक चौविन पर 3rd degree मर्डर का चार्ज भी लगाया गया है। मैं माफी चाहता हूँ कि अभी तक मैं आपको बस इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में ही बता रहा था। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जो इंडिया में हुए। 5 मई को नाथूला क्रॉसिंग बॉर्डर पर इंडिया और चाइना के बीच हाथापाई हुई, जिसमें दोनों तरफ से पथराव भी किया गया। 7 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लोकेटेड एक केमिकल गैस प्लांट में लीकेज की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। 20 मई को सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फान ने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को हिट किया और बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर 29 अप्रैल को इरफान खान और 30 अप्रैल को ऋषि कपूर का देहांत हो गया। एंड 1 जून को द ग्रेट म्यूजिक प्रोड्यूसर वाजिद खान की भी डेथ हुई। और भी सबसे खतरनाक सिचुएशन है लोकस्ट अटैक की, मतलब टिड्डियों के हमले की। टिड्डियां जिनका वजन सिर्फ 2 ग्राम होता है और एक दिन में महज 2 ग्राम खाना खाने वाली टिड्डी भारत के 5 राज्य में इस समय नई मुसीबत बनी हुई है। पाकिस्तान से आई टिड्डी दलों के आगे सरकार भी घुटने टेकती नजर आ रही है।
वहीं किसान के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं। टिड्डी को सबसे विनाशकारी कीट माना जाता है जिसका अभी तक कोई पुख्ता समाधान नहीं निकला है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इससे करोड़ों लोगों को प्रभावित होना पड़ेगा, भूखमरी के हालात भी बन सकते हैं। वहीं इस नई आफत से विमानों के लिए भी परेशानी पैदा हो गई है। DGCA ने पायलटों को उड़ान भरते समय और उतरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। ये तो थे नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब अगर बात करें कि इस साल क्या क्या अच्छा हुआ है, तो नतीजे आप सबके आंखों के सामने ही हैं। ओजोन लेयर हील हो गई, दिल्ली जैसा शहर की हवा इतनी साफ हो गई है कि वहां का AQI 25-26 रहने लगा है। नदियां साफ हो गई हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो गई है। जिस तरह नेचर ने हमसे रिवेंज लिया, इसी तरह उसने अपने आप को हील भी किया है। बस अब ये हम पर है कि हम लोगों ने जो जो चोटें उसे पहुंचाई थी उन्हें फिर से ताजा ना किया जाए। बस आखिर में यही कहना चाहूंगा कि नेचर एक एक्सपेरिमेंटर है और वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। वो उन स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर देता है जो उनको सपोर्ट नहीं करती। जैसे कि पहले नेचर ने डायनासोर्स को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो बस एक्सप्लॉयटेशन करना जानते थे, और कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो 2000 साल से इस अर्थ पर रह रही हैं, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो 10 से 20 मिलियन ईयर से यहाँ रह रही हैं। सवाल बस एक ही है कि हम कितने दावे के साथ कह सकते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज की लाइफ स्पैन कितनी है। अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज फॉरएवर अलाइव रहे और नेचर हमें कभी डिस्कार्ड ना करे, तो उसके लिए हमें भी नेचर के लिए बेनिफिशियल होना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर स्पीशीज एक्सेप्ट ह्यूमंस, स्पीशीज या जानवर को तभी मारती है या नुकसान पहुंचाती है जब उसे अपने सर्वाइवल का खतरा होता है। लेकिन ह्यूमंस दूसरे जानवरों को मारते हैं बस इसीलिए ताकि वो अपने सुपीरियोरिटी प्रूव कर सकें बाकी स्पीशीज के ऊपर। नेचर ने हमें बता दिया है कि वो अब और चुप नहीं बैठेगा। अगर हमने अभी भी सही कदम नहीं उठाया तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो आज चलिए मिलकर ये कसम खाते हैं कि आज से हम अपनी धरती माँ का ख्याल रखेंगे और उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो वेट, ये किसकी आवाज थी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time.